हेलो दोस्तों, आप लोग का यस्टरडे में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला क्लास टेंथ का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सातवें लेसन का, क्योंकि ऑलरेडी मैं छह लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके छह लेसन का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक आउट कर लो, क्योंकि यही सब बोर्ड एग्जाम में इसी के अंदर से आप लोग को देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलने वाला है। अब बोलोगे क्यों ऐसा बोल रहे हो सर, क्योंकि प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस पेपर 21 सब कुछ एनालिसिस करने के बाद तब मैं ये चीज आप लोग को बता रहा हूँ। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और डूएस डायरेक्ट, इसमें सिंपल तरीका फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, कोरिलेशन, ये सब कहां से करना रहेगा आप लोग को, सिंपल सर। 21 अगर 21 नहीं है इशू मत निकालना, 21 नहीं है एक्सक्यूज, बट आप लोग सिंपल सा नवनीत के डाइजेस्ट से भी कर सकते हो। अब यहाँ सातवां लेसन आप लोग टिक आउट करना, स्टार्ट कर देना, 80 नंबर पेज नंबर पे है। और नहीं देखो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, पूरा आप लोगों को लिंक मिलेगा कि ना छह लेसन का। आप लोगों को सिंपल सा लेंसेस में क्या करना चाहिए आप लोगों को, सिंपल तरीका यहाँ पर आप लोग को एक बता दो, सिंपल सा 80 पे तो कुछ नहीं करना, बट यहाँ पर 81 पे आप लोग को सेंटर ऑफ द कर्वेचर समझ के रखना। सेंटर ऑफ द कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर क्या, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल लेंथ, ये चीज क्लास 9th में ऑलरेडी तुम लोग पढ़े हो, ये सब उसमें दिया गया है। एक बार बस पढ़ोगे हो जाएगा, बस पढ़ के रखो क्या चीज होता है। उसके बाद ये आप लोग यहाँ पर पेज नंबर 82 पे आ जाओगे। 82 पे बहुत ही इंपॉर्टेंस एक है, इमेज फॉर्मेट द कनकेव लेंसेस, कन्वेक्स लेंसेस, तीन रूल दिया गया, तीनों रूल को अच्छी तरीके से डायग्राम विथ डायग्राम के साथ आप लोग को करना रहेगा, ध्यान से समझना, एक करना है तो करना है तीनों रूल। और तीन दिया गया, पहला दूसरा तीसरा, तीन रूल दिया गया, वो तीनों रूल करना है। उसके बाद पेज नंबर 83 पे कुछ नहीं करो तो भी चलेगा, बट उसके आगे आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 84 पे आप लोग एक साइन कन्वेंशन का एक दिया गया डायग्राम, ये चीज एक्टिविटी के पे एक्टिविटी के हिसाब से ए वाला अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। उसके लेंसेस का फार्मूला कर लेना, उसके बाद आप लोग सिंपल सा मैग्निफिकेशन का फार्मूला, उसके पावर ऑफ द लेंसेस का, सिंपल सा पावर ऑफ द लेंसेस का यूनिट जो भी रहेगा उसका फार्मूला याद करना है, कंबिनेशन ऑफ द लेंसेस को वो भी अच्छे तरीके से करके रखना रहेगा। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर पेज नंबर 87 पे एक डायग्राम दिया गया आइस का, आइस का दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से सिर्फ नेमिंग क्रेचर आप लोग अच्छी तरीके से याद करके रखो, नेमिंग क्रेचर क्या चीज है, इसे एक साइंटिफिक रीजन है वो चीज बताता हूँ, वहां से आप लोग कर लोगे तो हो जाएगा। पेज नंबर 88 पे कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पर आप लोगों को सिंपल से क्या करना रहेगा, यूज ऑफ द, देखो पेज नंबर 89 पे यूज ऑफ दिस कनकेव लेंसेस अच्छे तरीके से करना है, और यूज ऑफ द कन्वेक्स लेंसेस को अच्छी तरीके से करना है। अब ये सब डायग्राम को अच्छी तरीके से आप लोग को देख के जाना, टेलीस्कोप का देख लेना, उसके बाद आप लोग को कौन सा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का देख लेना, डायग्राम अच्छी तरीके से देख लेना, और इसके यूजेस कहाँ कहाँ वो चीज आप लोग को याद करके रखना रहेगा। अब आ जाते हैं हम लोग 92 पेज नंबर पे, इसमें से कौन कौन सा करना चाहिए आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 4th का एक्सरसाइज का बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 का ए और बी अच्छी तरीके से करके रखो, ए और बी वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग को करना चाहिए 6 का, दोनों फॉर नियर साइड दिया गया है, फॉर साइडनेस दिया गया है और एक नियर साइडनेस दिया गया है, अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है, डिफरेंट बिटवीन। उसके बाद आप लोगों को सिंपल से क्या करना चाहिए, यहाँ पर देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 5वां है आप लोगों को सिंपल से वर्किंग करना है आप लोगों को, यहाँ पर टेलीस्कोप का यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो चीज अच्छे तरीके से एक बार कर सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, फंक्शन लिखना है और उसका किसका, आइस का वुमन आइस का फंक्शन लिखना है, डायग्राम को अच्छी तरीके से ड्रॉ करने का तो उसको अच्छी तरीके से बताना रहेगा। इस तरीके से आप लोग का पूरा जो था ये लेसन वो चीज मैं बता दिया, बस आप लोग को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आप लोग को लेकर आने वाला 8वां चैप्टर मेटलर्जी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस आपको क्या करना, अगर नहीं देखो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आप लोग को 6 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा, प्लस आप लोग को यहाँ पर 7th लेसन भी मिल चुका रहेगा। तो बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, मिलते नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ।